है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट स्टेटिक्स को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे दोस्तों। हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं घनश्याम तुम्हारा आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टेटिस्टिक्स में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन के थ्रू सबसे पहले मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि कौन सी निकल के आई है अपडेट। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, देखते हैं कौन सी न्यूज़ निकल के आई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश भोपाल से 30/12/2019 का जो लेटर है जारी किया गया है। यहाँ पर समस्त संभागी उपायुक्त आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश, समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश, समस्त जिला संयोजक आदिम जाति अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखिए अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में इन्होंने जारी किया है। और कार्यालयीन पत्र दिनांक 17/798 दिनांक 5/7/2019 यहाँ पर संदर्भित, यहाँ पर बताया गया संदर्भित पत्र द्वारा अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। क्योंकि आदिम जाति कल्याण विभाग की शालाओं में एजुकेशन पोर्टल की व्यवस्था मैंडेटरी नहीं किया गया है, इस कारण से डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में समस्या आ रही है। अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य संबंधी जानकारी को संस्था प्रमुख रूप से सत्यापित कराकर उपस्थित पंजी की सत्यापित प्रति के साथ संबंधित DDO संकुल प्राचार्य BEO को प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, यहां पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा यहां पर हरकत में आ गया है, और इसकी काउंसलिंग संबंधी जानकारी को लेकर जो अनुत्थित शिक्षक हैं उनका अनुभव प्रमाण पत्र बनाने चालू कर दिए हैं यहां पर। तो DDO मानदेय देयक की पुष्टि कर अनुभव प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रति हस्ताक्षर हेतु जिला कार्यालय को प्रेषित करें। जिला कार्यालय के समक्ष अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर उपरांत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी के जो हस्ताक्षर होंगे उसके उपरांत अनुभव प्रमाण मान किया जाएगा। उक्त समस्त हस्ताक्षरकर्ता कार्यालयों से जारी अनुभव पत्र में निर्धारित स्थान पर विधिवत जावक क्रमांक एवं दिनांक अंकित होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जो विधिवत यहाँ पर समस्त हस्ताक्षरकर्ता कार्यालयों से जारी अनुभव प्रमाण पत्र बकायदा आवक जावक नंबर उसमें अंकित होना चाहिए दोस्तों, तभी वह मान्य हो जाएगा, मान्य किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मुख्य चीज़ आपको दिखा देते हैं कि मुख्य चीज़ें यहाँ पर कौन सी हैं। दोस्तों, यहाँ पर 7वें नंबर पॉइंट को देखिए, ये 6वें नंबर पॉइंट को, उक्त संस्था के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र केवल उन्हीं अतिथि शिक्षकों को जारी किए जाएंगे जिन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो दोस्तों, सभी के अनुभव प्रमाण पत्र तभी जारी नहीं किए जाएंगे, उन अतिथि शिक्षकों को जारी किए जाएंगे जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ठीक है दोस्तों। इस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ही उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सभी के अनुभव प्रमाण पत्र अभी जारी नहीं किए जाएंगे, जो क्वालिफाई आवेदक हैं उनके ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व संबंधित आवेदक की जानकारी का भलीभांति प्रशिक्षण कर लिया जाए तथा अनुभव प्रमाण पत्र के साथ उपस्थिति पंजी के सत्यापित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जाए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने की आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा। यहाँ पर आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश के सिग्नेचर हैं, और इसका प्रारूप भी दिया गया है दोस्तों, किस तरीके से बनाना है। विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय कोड लिखा गया है, विद्यालय का नाम लिखा गया है यहाँ पर दोस्तों, और PV संबंधी जानकारी आपको भरना है, PV का रोल नंबर भरना है, पद भरना है, विषय किस विषय से आपने दिया था, ठीक है। अतिथि शिक्षक से संबंधी यहाँ पर जानकारी भरना है, मोबाइल नंबर, नाम, ठीक है, वर्ग आपका भरना है, विषय भरना है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर सत्र भरना है, ठीक है, और यहाँ पर वर्ग 1, 2, 3 जिस विषय में आपका है, ठीक है, कुल कार्य दिवस भरने हैं, रिमार्क यहाँ पर, ठीक है, संस्था प्रमुख के सत्यापन यहाँ पर होना है, पदनाम और हस्ताक्षर किया जाना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे कि जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की प्रक्रिया जो की जा रही है काउंसलिंग की, तो आदिम जाति कल्याण विभाग अपनी काउंसलिंग अलग से करवाएगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग दोनों एक साथ की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके बताइए, यदि न्यूज़ आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा देर तक शेयर करिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अपनी अगले अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर दोस्तों।